महारानी वरदानी तुम दान दान पिन्या चल रानी। अब इससे आगे हरी अम्बे पहाड़ के हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस आज हमारा बनारस में डे टू, तो हम लोग नहा धो के सब रेडी हैं। अब जा रहे हैं नीचे, फटाफट से चाय नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से विंध्याचल के लिए। जाएंगे आज हम लोग विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे, तो जैसे जैसे जो होता जाएगा बने रहिए साथ में और देखते रहिए। तो दोस्तों अब अपन यहाँ पियेंगे चाय और यहाँ हम लोग खाएंगे डोसा और यहाँ ये लोग सब बैठे हैं। गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से? नहीं, यहाँ के बाद क्या करेंगे? यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे विंध्यवासिनी। रुपल, आप जाएंगे विंध्यवासिनी? तो दोस्तों ये है डोसा, मसाला डोसा। यहाँ वैरायटी चल रही है नाश्ते की, डोसा चल रहा है, पूड़ी कचौड़ी चल रही है। और दोस्तों ये है, अरे रुक, दोस्तों ये है रायता और इडली। कैसा है? बढ़िया है। तो ये हो रही है मेरे दिन की पहली चाय, तो आइए आप भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। ये देखिए, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हम बोल रहे थे बराबर। और ये हमारे चाचा वीडियो कॉल पे। मैं भी निकल रहा यहाँ से। So beautiful. Yes, beta. Yes. And which nadi is this? Ganga. गंगा घाट है ना, एक बड़ा बहुत बढ़िया गंगा घाट है। गंगा जी में मम्मी कहती सिक्का डाल। मिर्जापुर में बहुत बढ़िया गंगा घाट है। दोस्तों जब भी गंगा जी क्रॉस करते हैं तो गंगा जी क्रॉस करते वक्त मतलब सिक्के को अपने सर से उतार के, अपनी नजर उतार के गंगा जी में डाल देना चाहिए। तो देखिए हमारी मेघना भाई कर रही है, भैया के ऊपर भी कर देना। दिस इज सुसीनिक, गंगा जी है ये दोस्तों, मिर्जापुर में गंगा जी हैं दोस्तों। जय गंगा मैया की। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं मिर्जापुर, अब हम लोग यहाँ मिलेंगे कालीन भैया से, गुड्डू से, स्वीटी से, और कौन थी वो? स्वीटी थी, जिंदा बची थी। नहीं स्वीटी नहीं बची, स्वीट डॉली बची है। कौन बचा है? डॉली बची है कि स्वीटी बची है? डॉली बची, स्वीटी तो मर गई, स्वीटी तो पहले फैल गई। बताओ, मिलो चल के उनको, उनके घर ढूंढो, कहाँ गुड्डू का घर? यहाँ छुपे पंडित, गुड्डू पंडित, और छोटा वाला क्या था? बबलू पंडित। अखंडा त्रिपाठी, अखंडा भी तो मर गए। नहीं देखी, नहीं अखंडा है अभी, अखंडा ही तो काली, अखंडा ही अखंडा उन्हीं की तो बबलू करने जाते तभी। अरे अखंडा ही तो काली भैया है। नहीं अखंडा उनके बाप। अच्छा बड़ौना? नहीं हमने तो सही बोला था, अखंडा वही है, कालीन भैया बिल्कुल सही थे। वो बुड्ढे का नाम नहीं है, वो बाऊ जी है, वो बड़ौना बाऊ जी था, वो बड़ा जाबड़ बुड्ढा, कल छा के मारा है उसकी बहुया ने उसको। पहुंच गए माँ विंध्यवासिनी के मंदिर, तो चलिए माता के दर्शन करते हैं। और अगर वहाँ कैमरा अलाउड होगा तो आपको भी दर्शन करवा देंगे, और अगर नहीं अलाउ होगा तो सॉरी। हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग स्पिरिचुअल? वेरी टायर्ड। अच्छा, अंदर चलना है वहाँ, और वहाँ बिल्कुल जो है माथा रगड़ के ही चढ़ना है माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने। और यहीं यहीं मिर्जापुर में कहीं तुन्नी मौसी भी रहती हैं, पता होता तो वहाँ भी चलते। चलेंगी तुन्नी मौसी से? चलेंगी हैं? हम नहीं जानते तुन्नी मौसी। अरे हम जनवाएंगे। चलो नमस्ते तुन्नी। प्रसाद क्या है? प्रसाद एक फीट 51 का है, दूसरे 51 का है, जैसा भी नारियल एक दो थोड़ा सा फूल दे। हाँ, और एक ये सफेद वाला कुछ दे दीजिए।
सो दोस्तों ये है मंदिर, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर। प्रसाद ले लिया है दोस्तों, अब अपन दर्शन करेंगे माँ विंध्यवासिनी के। भीड़ तो दोस्तों आप आ रहे हैं, देखो लाइन लगी है सब। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते होंगे कि श्री कृष्ण के साथ साथ योग माया का भी जन्म हुआ था, जिनको एक्सचेंज करके जो है वासुदेव जो है मथुरा ले आए थे। तो जब कंस उनको मारने चला था तो जैसे कंस ने योग माया को गोद में उठाया, वो उनकी गोद से उछलकर उड़ गई थी, तो वो उड़कर यहाँ विराजमान हुई थी यहाँ के विंध्याचल में। तो ये वही हैं, ये योग माया ही हैं जो विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये एक जागृत शक्तिपीठ है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ शुरू हो गई है शॉपिंग। छोटी वाली भी है क्या भैया? दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट पे। सकल से ब्राह्मण नहीं लगते क्या हम लोग? लगते तो हैं। वहीं पंडा ब्राह्मणों को दान दिया करिए, तो तुम खुद ही हमें दान दे दो, हम खुद ही ब्राह्मण हैं। वेरी ब्यूटीफुल व्यू दोस्तों, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। सो दोस्तों माँ विंध्यवासिनी के घाट पर हम लोग करते हुए नौका विहार। हाउ आर यू गाइस फीलिंग? यू आर फीलिंग गुड? अच्छा लग रहा है? चलो गाना गाओ। महारानी वरदानी तुम दान दान विंध्याचल रानी। आगे नहीं आता है। बस बस हो गया, आ जाओ आ जाओ। हो गया हो गया हो गया, सेल्फी सेशन हो गया बाबू। चलो यार साइज में कितने प्यारे हैं, मत ऐसे उठाओ मत। चलो 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 उठाओ मत। सो दोस्तों हम लोग पैक कराने लगे हैं यहाँ समोसे गाड़ी में खाने के लिए। अरे देखो समोसों। तो दोस्तों ये है हमारे समोसा जो हम लोगों ने कहीं और से लिए हैं, और ये है हमारी चाय जो हम लोगों ने यहाँ बनवा के पी रहे हैं। अभी खुद तो कल बोल रही थी घर जाना, मम्मी से कह देना कि तनु कह रही थी हैंगिंग हैंगिंग देवी हैंगिंग गर्ल ए हैंगिंग गर्ल। तो कैसा रहा बनारस ट्रिप का एक्सपीरियंस, कैसा रहा? थकावट पूर्ण काट देंगे, बकवास कर रही है। बताओ मनु कैसा रहा? इट वाज नाइस। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपना ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, और हमारी जो आगे की जर्नी है वो अब आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो बस चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए मैं सो रहा था और ये मुझे पता नहीं चला ये मेरी क्लिप शूट कर ली गई।